हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे कि फ्रक्टोज के बारे में, तो फ्रक्टोज का एप्लीकेशन कैसे होता है, फ्रक्टोज की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, हमने सारी चीजें के बारे में अच्छे से डिस्कशन कर लिया था। सो नाउ इन दिस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट फर्दर वेयर वी टीच इन द लास्ट लेक्चर। तो हमने बात किया था कि जैसे ग्लूकोज जो होता है ना, वो जो रिएक्शन देता है मोस्टली वैसे सारे रिएक्शन कौन देता है, फ्रक्टोज, ठीक है। इसीलिए हमारे लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीजें हो जाती हैं कि हम क्या कर पाए, डिफरेंशिएट कर पाए। तो फिर भी हम डिफरेंशिएट करने का कुछ तरीका ढूंढ लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, अगर हमको ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बारे में या ग्लूकोज और फ्रक्टोज में डिफरेंशिएट करना है, तो हम दो टेस्ट के बारे में मेनली पढ़ते हैं। पहला जो आपका टेस्ट है सेमिनोफ टेस्ट। सेमिनोफ टेस्ट में क्या होता है कि हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि ये फ्रक्टोज है और ये ग्लूकोज है। वो कैसे कि अगर आप बात करो सेमिनोफ टेस्ट में, हम लोग क्या करते हैं, रिसोर्सिनोल, ठीक है, रिसोनोल, रिसोर्सिनोल का सॉल्यूशन लेते हैं और उसको मिक्स करते हैं उसमें थोड़ा सा HCl, और फिर जो भी मिक्सर मिला है उसमें और मिक्स करते हो फ्रक्टोज का एक्वस सॉल्यूशन। तो आपको क्या मिलता है यहाँ पे, रेड कलर का रेड कलर ईपीटी मिलता है, प्रिसिपिटेट मिल जाता है, नीचे बैठ जाता है। तो अगर ऐसा कुछ हुआ कि हम रिसोर्सिनॉल को HCl में मिक्स करें, ठीक है, उसके बाद उसमें और ऐड कर दें हम क्या, फ्रक्टोज का एक्वस सॉल्यूशन। अगर हमें रेड पीपीटी इतना करने पर मिलता है तो इस बात से कंफर्म हो जाता है कि वो कंपाउंड कौन सा रहा होगा, फ्रक्टोज। क्या कंफर्म हो जाएगा, इट कंफर्म दैट फ्रक्टोज, किसको कंफर्म हो जाता है, फ्रक्टोज। और जबकि आप बात करोगे ये रिएक्शन सेमिनोफ टेस्ट, तो ग्लूकोज नहीं देता है, क्या नहीं देता है, ग्लूकोज डज नॉट गिव, ये जो टेस्ट है ग्लूकोज नहीं देता है। और दूसरा क्या पढ़े थे हम लोग, दूसरा क्या पढ़े थे, कौन सा टेस्ट था, फर्फ्यूरल, हाँ फर्फ्यूरल टेस्ट था, फर्फ्यूरल्स टेस्ट। तो फर्फ्यूरल टेस्ट में हमने क्या देखा था, सेम चीज थी, क्या था वहां पे, रेसिनॉल की सॉल्यूशन की जगह पर हमने क्या लिया था, अल्फा नेफ्थाओल, क्या लिया था, अल्फा नेफ्थाओल लिया था, उसमें हमने मिक्स किया था HCl, और फिर उसमें मिक्स किया था हमने फ्रक्टोज का एक्वस सॉल्यूशन, और क्या मिला, क्या मिला था वायलेट कलर की, क्या मिली थी, सॉल्यूशन मिला था वायलेट कलर का। ये जो सॉल्यूशन जो आपका मिक्सर है पूरे में पूरा, ये पूरे मिक्सर का रंग किस तरीके का हो जाता है, वायलेट कलर का, किसका हो जाता है, वायलेट कलर का हो जाता है, वायलेट कलर सॉल्यूशन। और ये भी जो है आपका टेस्ट इस बात को कंफर्म करता है कि क्या है वो, फ्रक्टोज है। अगर बात करोगे फर्फ्यूरल टेस्ट की, तो ये आपका ग्लूकोज नहीं देता है, ग्लूकोज डज नॉट गिव दिस टेस्ट, डज नॉट गिव दिस टेस्ट, इस टेस्ट को ग्लूकोज नहीं देता है। चलिए हो गया, इस टेस्ट को नहीं देता है, ग्लूकोज नहीं देता है, ठीक है। अब आज पर रेसिनॉल का मैंने बताया था कि उसका जो आपका रिसोर्सिनॉल, आपके बहुत कम बार आप लोग सुनते हो, तो रिसोर्सिनॉल का जो स्ट्रक्चर था वो कैसे था, 1,3 बेंजीन डायोल, 1,3 बेंजीन डायोल, और अल्फा नेक्टोल की बात आप कर रहे थे, तो अल्फा नेक्टोल का स्ट्रक्चर क्या होता है आपका, इस तरीके का होता है, ठीक है, इस तरीके के स्ट्रक्चर का होता है, नेफ्थॉल का होता है, ठीक है। ये दो टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ठीक है, और जो डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्या क्या डिफरेंशिएट कर सकते हैं, हाँ कलर, क्या कलर, देखिए अगर सेमिनोफ टेस्ट की बात करोगे तो अगर फ्रक्टोज होगा तो क्या देने वाला है, यहाँ पे रेड कलर की पीपीटी देगा, और अगर फर्फ्यूरल टेस्ट में आप देखोगे तो
आपको वायलेट कलर की सोल्यूशन मिलेगी। ठीक है, अब बात करते हो, मैं आगे चलता हूं। ठीक है, आगे चलो। इसके आगे हमने पढ़ा था, ये तो हमारा फ्रेक्टोज यहाँ पे समाप्त हो गया था। इसके आगे हमने पढ़ा था माल्टोज के बारे में। ठीक है, तो माल्टोज के बारे में, माल्टोज आपका, अच्छा माल्टोज से पहले हमने कुछ पढ़ा, हम सब क्लियर करा रहे हैं ना, नाम लेकर सुंदर उत्पाद पढ़ लेंगे। हम बात कर रहे थे ओलिगोसैकेराइड के बारे में, तो ओलिगोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड के बारे में बात कर रहे थे। तो हमने बताया था कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोलिसिस होने पे क्या कहते हैं, 2 से 2 to 10 मोनोसैकेराइड देते हैं, मोनोसैकेराइड्स मॉलिक्यूल। ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसका हाइड्रोलिसिस करने पे क्या मिलता है, 2 से 10 मॉलिक्यूलर मोनोसैकेराइड मिलता है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट क्या बोलते हो, ओलिगोसैकेराइड्स। ठीक है, तो ओलिगोसैकेराइड्स में हमने एग्जांपल की बात की थी, जैसे लैक्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया, ये किस टाइप के एग्जाम्पल है ओलिगोसैकेराइड के। अब फिर इसी कैटेगरी कंपनी ने ओलिगोसैकेराइड्स को भी कैटेगराइज किया था, कैसे, अगर 2 मोनोसैकेराइड मिल रहे तो डाइसैकेराइड्स, 3 मिलेंगे तो ट्राइसैकेराइड्स, अगर 4 मॉलिक्यूलर मोनोसैकेराइड्स मिल रहे तो टेट्रासैकेराइड्स, पेंटासैकेराइड, ऐसे चला जाएगा। ठीक है, देखिए हमको ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, पेंटासैकेराइड नहीं पढ़ना है, हमको क्या पढ़ना है, डाइसैकेराइड पढ़ना है। तो डाइसैकेराइड में हमने बात किया था किसके बारे में, सुक्रोज के बारे में। सबसे पहला तो सबसे अच्छा जो इंपॉर्टेंट आपका डाइसैकेराइड है कौन सा है, सुक्रोज। क्या हुआ, कहीं से हमने यही पढ़ा था सारी चीजें, जी कुछ और पढ़ दिया था। ठीक है, अब बात कर रहा था मैं सुक्रोज की, तो सुक्रोज जो है आपका, आप जानते हो सुक्रोज एक डाइसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट है, क्या है, कार्बोहाइड्रेट। आप बात करते हो अगर इसके मालिक में फार्मूले की क्या होता है, C12H22O11। ठीक है, आप ये भी जानते हो कि स्लाइम सॉलिड होता है, व्हाइट कलर का होता है, कोई कलर नहीं होता है, ना कोई इसकी स्मेल होती, ऑडरलेस होता है। ठीक है, और वाटर में क्या होता है, डिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब बात करो वो कि सुक्रोज जो होता है, जारी सी बात है, अगर ये डाइसैकेराइड है, अगर क्या, अगर ये डाइसैकेराइड है, नाम इसका इसलिए डाइसैकेराइड पड़ा, इसका मतलब हुआ कि मोनोसैकेराइड से मिलकर बना है, किससे मिलकर बना है, क्योंकि इसकी डिफिनेशन ही यही है। डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट किसे बोलते हो, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनको, जिनका हाइड्रोलिसिस करने पे क्या मिलता है, मोनोसैकेराइड से मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मोनोसैकेराइड्स मिल रहे हैं, यानी किससे मिलकर बना है, मोनोसैकेराइड से मिलकर बना है, क्योंकि अब मेरी बॉडी जिस चीज से मिलकर बनी है, अगर मेरी बॉडी को तोड़े हुए तो वही चीज मिलेगी जिस, जो चीज हमको मेरी बॉडी को बनाई है, यानी जो चीजें तोड़ने पे मिल रही है, अगर वही मिल रही है, यानी वो चीजें क्या है, इसको बनाई है। यानी इसका मतलब हुआ कि जो आपका सुक्रोज है, वह दो मोनोसैकेराइड से मिलकर बना है, कितने से, इट इज फॉर्म्ड बाय टू मोनोसैकेराइड्स। पहला मोनोसैकेराइड्स कौन सा, मतलब दो मोनोसैकेराइड्स कौन कौन से, एक ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ठीक है, आप बात करें ग्लूकोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज की, तो ग्लूकोज का कौन सा कार्बन इन्वॉल्व होता है, C1। ग्लूकोज का C1 और फ्रक्टोज का C2। C4 ना,
फ्रक्टोज का, हाँ फ्रक्टोज का सी फोर, नहीं नहीं सी टू है, वो माल्टोज में था, माल्टोज में था सी टू सर, सी टू सर, ठीक है सी टू। अब देखो सी वन क्या है, जो सी वन में लिखा हूँ सी वन है क्या, जो आप पाइरिनोज स्ट्रक्चर बनाए थे किसका, ग्लूकोज का, ठीक है, जो ग्लूकोज का पाइरिनोज स्ट्रक्चर बनाए थे, आप बात कर रहे हो कि पाइरिनोज स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, पाइरिनोज स्ट्रक्चर पर बनाई थी तब बार कैसे था, ऐसे था ना, ठीक है ऐसे था, अब यहाँ वो ऊपर क्या था देख के बताओ, ऊपर क्या था, यहाँ पे कुछ डायरेक्ट बना रहा हूँ ना ऊपर, ओ एच था ना, ग्लूकोज का ऊपर एच, नीचे ओ एच, अब वो भी बताना कौन सा, अल्फा डी ग्लूकोज बताना, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी बताना, ऊपर क्या था एच, हाँ नीचे ओ एच, और यहाँ पे ऊपर एच नीचे ओ एच, और यहाँ पे OH नीचे H, यहाँ पे ऊपर H नीचे OH, अच्छा ऊपर H नीचे CH2OH, और इसमें फ्रक्टोज में अल्फा डी फ्रक्टोज कौन सा था, बीटा डी क्या फ्रक्टोज, इसका स्ट्रक्चर बताना, ऐसे बना था ऊपर की तरफ, ऐसे ऐसे बना था, ऐसे ठीक है, ऊपर था, ऊपर क्या था CH2OH, ऊपर CH2OH था, नीचे क्या था OH, OH ऊपर क्या था OH नीचे H, ठीक, यहाँ पे ऊपर H नीचे OH, ओके, और यहाँ पे ऊपर H नीचे CH2OH, ठीक है। देखो जो आपका जो सुक्रोज होता है आपका, वो सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर के बना होता है, ठीक है, लेकिन दिक्कत है कि ग्लूकोज दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक अल्फा डी ग्लूकोज एक बीटा डी ग्लूकोज, इसी सेम तरीके से फ्रक्टोज भी दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अल्फा डी फ्रक्टोज और बीटा डी फ्रक्टोज। तो अल्फा डी ग्लूकोज जो यहाँ पे ग्लूकोज है, एक ग्लूकोज कौन सा ग्लूकोज है, अल्फा डी ग्लूकोज, जो सुक्रोज में ग्लूकोज यूनिट है, उस ग्लूकोज यूनिट का अल्फा फॉर्म वाला जो अल्फा डी ग्लूकोज वो काम आता है, और कौन काम आता है फ्रक्टोज का बीटा डी फॉर्म। और देखो आपने बताया था कि जब सिक्स मेंबर की रिंग हो, देखो जब सिक्स मेंबर की रिंग हो, नंबर ही कहाँ से करते हैं, यहाँ से कार्बन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो 1 2 3 4 5, ठीक, और जब 5 मेंबर की रिंग हो तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, ऑक्सीजन से, ठीक है, 1 2 3 4 5। अब बात कर रहे हो कि किसकी, कौन सा C1 का मतलब ए, यहाँ पे इस जो कार्बन है ना, इस कार्बन से जो OH जुड़ा है ए आएगा, और कौन काम आने वाला है C2 का मतलब ए वाला, ठीक है, ऊपर भी CH2 OH था, नीचे भी CH2 OH था, नीचे से OH ऊपर CH2OH नीचे OH, ठीक है, तो नीचे इसका OH और इसका OH आपस में कंबाइन किए थे, ठीक है, उस साइड का अगर मैं इसे बना दूं तो इसको उस साइड है, देखो ए है अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक, अब यहीं पे मैं बना देता हूं क्या, देखो ए अल्फा डी ग्लूकोज है, अब यहां पे मैं बनाता हूं बीटा डी ग्लूकोज ऐसे आपका, ठीक है बीटा डी ग्लूकोज का, देखो अब मैं क्या करता हूं, इसको ऐसे उलट देता हूं, ठीक है, कर देता हूँ उसको रोटेट कर देता हूँ, अगर मैं इसको ऐसे रोटेट कर देता हूँ, ये वाला इससे इधर चलेगा, ये वाला इससे इधर चलाएगा, यानी यहाँ पे ऊपर CH2OH रहेगा और नीचे OH,
यहाँ पे आप ऊपर OH उसको उलट देंगे ना, ऊपर OH नीचे H, ऊपर OH यहाँ पे BH, ठीक है। और एक बार उधर चला जाएगा तो इधर ही इधर फिर टू एच और एच एच एक आपका बीटा डी ब्लू कोच, ठीक, बीटा डी फ्रक्टोज, बीटा डी फ्रक्टोज। अब इस जो सी वन कार्बन की जो OH है और जो सी टू कार्बन की जो OH है, ये वन वाला है, ये टू वाला है, इनमें से क्या होता है कंडेंसेशन होता है, इन दोनों मॉलिक्यूलों क्या होता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है, कंडेंसेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें जो छोटे यूनिट होते हैं वो आपस में कंबाइन करके एक बड़ा यूनिट देते हैं, क्या देते हैं बड़ा यूनिट देते हैं। और जब कंडेंसेशन करते हैं तो कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल का इलिमिनेशन होता है, जैसे वाटर, अमोनिया, तो यहाँ पे क्या निकलेगा H2O। और जब H2O निकलेगा तो मैं H2O निकाल देता हूँ और मैं यहाँ पे देखो, अच्छा मैं फिर से लिखता हूँ OH, देखो दो ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन, ठीक है, H2O बाहर निकलेगा फिर एक ऑक्सीजन बच जाएगा, तो ऑक्सीजन वो क्या करता है यहाँ पे जो ऑक्सीजन, ठीक है, यानी ये जो आपका यूनिट है कौन सा यूनिट, ये वाला यूनिट ऐसे, ठीक है, ये जो है आपका यहाँ पे जिसके थ्रू बीटा डी फ्रक्टोज और अल्फा डी ग्लूकोज आपस में जुड़े हुए हैं, इस बॉन्ड को क्या बोलते हो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। यानी जो ओलिगोसैकेराइड हो या पॉलीसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट हो उनमें जो मोनोमर मोनोसैकेराइड्स यूनिट आपस में जुड़े होते हैं वो किस बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यानी मैं एक बार टॉपिक यहाँ पे देता हूँ कि इन ओलिगोसैकेराइड को ओलिगोसैकेराइड्स हो या पॉलीसैकेराइड्स, क्या हो पॉलीसैकेराइड्स, इसमें जो क्या मोनोसैकेराइड्स यूनिट मोनोसैकेराइड्स यूनिट बाइंड टुगेदर विच किसके साथ में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। तो ये चीज हमने पढ़ा कि सुक्रोज के बारे में कि भाई जो सुक्रोज होता है वह दो मोनोसैकेराइड से मिलकर के बना होता है, एक आपका अल्फा डी ग्लूकोज और दूसरा बीटा डी फ्रक्टोज, बीटा डी फ्रक्टोज, ठीक है। तो इसके बारे में ज्यादा हम कुछ नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। बाकी जो केमिकल रिएक्शन हमने पढ़ाया था कि जब आप ग्लूकोज फ्रक्टोज को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करवाते हो, ठीक है, मिक्स करते हो तो क्या मिलता है C12H2O11, इसके साथ में क्या मिक्स कर दिए सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक हाँ कार्बन और हाइड्रोजन ये सब अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है, 11H2O। यानी ये जो कार्बन है एक कार्बन ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक मास होता है, क्या बोलते हो ब्लैक मास। यानी आप जब सुक्रोज को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में मिक्स करते हो तो ब्लैक कलर का मास मिलता है, ठीक है, और क्या मिलता है H2O मिलता है। अगर बाय चांस अगर आपने क्या किया कि दोबारा से सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया, यानी या तो बोलो कि एक्सेस में ले लिया, क्या ले लिया एक्सेस में सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है वापस से इस जो ब्लैक मास कार्बन बना है पहले स्टेप में इससे फिर से दोबारा रिएक्शन करता है, निकलता है CO2 गैस बनता है और SO2 गैस निकलता है और H2O निकलता है, ठीक, ये चीजें बनती हैं। यानी अगर हम सुक्रोज का अगर क्या करें हम सुक्रोज को एक्सेस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में हीट कर दे तो सल्फर डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, अगर एक्सेस में सल्फ्यूरिक एसिड नहीं है तो क्या बनता है ब्लैक मास बनता है जो किसका बना होता है कार्बन का बना होता है, ठीक है। ये सारी चीजें हमने पढ़ेंगे और इसका जान लो कि हाइड्रोलिसिस करने पे क्या मिलता है, अगर हम सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करा दें तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है। माल्टोज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, माल्टोज के बारे में, उसके बाद लैक्टोज के बारे में पढ़ लेंगे, उसके बाद पॉलीसैकेराइड्स पे आ जाएंगे और पॉलीसैकेराइड्स में आपकी स्टार्च है, ठीक है,
क्या स्टार्च, ठीक है, स्टार्च के बारे में पढ़ेंगे और आपके उसके बाद अबाउट लगभग आपका इंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंड हो जाएगा। ठीक है, इधर देखो हमने क्या बात कर रहा था, हम लोग बात कर रहे थे कि माल्टोज, क्या माल्टोज, तो माल्टोज को देखोगे, इधर देखो माल्टोज की बात करोगे तो माल्टोज जो होता है आपका वो भी क्या है, एक प्रकार का डाइसैकेराइड्स है ना। और माल्टोज को अगर इसको हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या मिलने वाला है, हाइड्रोलिसिस करोगे एसिडिक मीडियम में टू मॉलिक्यूलर ग्लूकोज। अंतर क्या है, अगर इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करोगे तो सी बार है एच बाई ओ ग्यारह, ठीक है, यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसका था, सुक्रोज का भी। इसका मतलब हुआ कि माल्टोज और सुक्रोज ये दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन जो मोनोसैकेराइड्स यूनिट है, ठीक है, दोनों में जो प्रेजेंट है, सुक्रोज में एक मोनोसैकेराइड्स था आपका ग्लूकोज और दूसरा फ्रक्टोज, लेकिन इसमें क्या है कि दोनों के दोनों क्या है, ग्लूकोज है, क्या है, ग्लूकोज है। और इनकी बात कर रहा था तो मैं बात कर रहा था कि अब मैं तो कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाने वाला हूं दोबारा, ठीक है, कल पढ़ा दिया था, हमने कल पढ़ाया था अल्फा डी ग्लूकोज, दो अल्फा डी ग्लूकोज, दोनों अल्फा ही डी थे ना, दोनों अल्फा डी थे कि बीटा था, दोनों अल्फा ही थे, दोनों अल्फा डी ग्लूकोज थे ना, ठीक है, दोनों अल्फा डी ग्लूकोज था। पहले का जो अल्फा डी ग्लूकोज था कौन सा कार्बन, C1 और इसका C4। जैसे हम वहां पर देखे कि जो नंबर वन कार्बन था उसका जो हाइड्रोक्सी ग्रुप था और दूसरे का जो हाइड्रोक्सी ग्रुप था, दोनों जब कंडेंसेशन किए थे तो ग्लाइकोसाइड्स बांड द्वारा एक दूसरे से जुड़ गए थे, वैसे यहां पर सेम तरीके से होगा, लेकिन इस बात क्या होगा कि जो अल्फा डी ग्लूकोज का C1 वाला जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो कंडेंसेशन करेगा और जो दूसरे मॉलिक्यूल का अल्फा डी ग्रुप का जो मॉलिक्यूल है उसका C4 वाले पोजीशन पे जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है दोनों कंडेंसेशन करके क्या बनाएंगे, माल्टोज बनाएंगे, ठीक है। आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, माल्टोज हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे क्या लैक्टोज के बारे में, ज्यादा ये सारी चीजें एक मतलब बस आपसे क्या पूछा जा सकता है, आपसे इतना पूछा जा सकता है कि जो माल्टोज होता है वो माल्टोज का हाइड्रोलिसिस करने पे कौन से मोनोसैकेराइड्स मिलते हैं, तो ग्लूकोज मिलता है, टू मॉलिक्यूलर ग्लूकोज, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब क्या पढ़ेंगे, लैक्टोज, लैक्टोज की बात करोगे तो लैक्टोज भी एक कार्बोहाइड्रेट होता है, क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। लैक्टोज की बात करोगे सोर्स की, किसकी बात करोगे, सोर्स की, तो सोर्स इसका क्या है, आपका मिल्क में, क्या है, मिल्क में क्या पाया जाता है, लैक्टोज, किसका मिल्क, जैसे बकरी हो गया, काऊ हो गया, बोट्स हो गए, बोट्स माने गोट्स, हाँ बोट्स, बी ओ ए टी, यस बोट, बकरी, गोट होता है ऐसे जी, सॉरी हाँ सॉरी सॉरी, गोट वही बस गोट हो जाता है, गोट्स हो गए, G-O-A-T-S, ठीक है, गोट्स हो गए, बफेलो हो गया आपका, बफेलो, काऊ हो गया, और क्या ह्यूमन मिल्क में नहीं पाया जाता है, पाया जाता है ह्यूमन मिल्क, मदर मिल्क बोलो ना, क्या मदर मिल्क। अब बात करते हैं काऊ के, काऊ के दूध में कितना लैक्टोज पाया जाता है, तो काऊ के मिल्क में 3-5 हाँ परसेंट क्या पाया जाता है, लैक्टोज पाया जाता है। अब यही मदर मिल्क की बात करोगे तो मदर मिल्क में कितना पाया जाता है,
मदर मिल्क, मदर मिल्क में कितना परसेंट पाया जाता है? 4 to 8% समझ रहे हो? तो किस में ज्यादा फ्रैक्टोज पाया जाता है, मदर मिल्क में कि काउ के मिल्क में? मदर मिल्क में, ठीक है। अब बात कर रहे हो कि ये भी आपका क्या है, एक प्रकार का डाइसेक्राइड्स है। क्या है? डाइसेक्राइड्स है। तो डाइसेक्राइड है तो इसके जो मोनोसेक्राइड्स है वो कौन से यूनिट होते हैं? ग्लूकोज और गैलेक्टोज। इधर देखो, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। इलेक्ट्रोज किससे मिलकर बना होता है? ग्लूकोज और इलेक्ट्रोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ग्लूकोज और गैलेक्टोज देखो, अब इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला वही है जो किसका है? नहीं, इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? C12 है, H2SO4 सुगर का, माल्टोज का हो और लैक्टोज का हो, सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। बस क्या है, क्या डिफरेंस है? हाँ, सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन जो मोनोसैकेराइड्स यूनिट है, ठीक है, जिन मोनोसैकेराइड से मिलकर के चाहे सुक्रोज बना हो, चाहे माल्टोज बना हो, चाहे लैक्टोज बना हो, हर में हर डाइ हर चाहे मैं क्यों कह रहा हूँ कि जो आपके सुक्रोज है, जो आपके माल्टोज है और जो आपके लैक्टोज है, तीनों के तीनों डाइसैकेराइड्स, लेकिन उनका जो मोनोसैकेराइड्स यूनिट है वो अलग अलग, यानी इन तीनों को हाइड्रोलिसिस करने पे अलग अलग मोनोसैकेराइड्स यूनिट बन रहा है। हमने जब शुगर का हाइड्रोलिसिस किया तो क्या मिला? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। जब हमने माल्टोज का हाइड्रोलिसिस किया तो क्या मिला? ग्लूकोज मिले, टू मॉलिक्यूलर ग्लूकोज। और जब इसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो क्या मिला? ग्लूकोज और गैलेक्टोज। ग्लूकोज और गैलेक्टोज। अच्छा, ग्लूकोज और ग्लूकोज और गैलेक्टोज में क्या डिफरेंस है पता है? देखो, ये आपका ग्लूकोज था ना, ऐसे वन टू थ्री सिक्स टू ओएच ओएच इधर एच इधर ओएच इधर एच। अब क्या था? इधर ओएच आ गया था, इधर क्या आ गया था? एच। और इधर क्या आ गया था? ओएच। और इधर, ठीक है, समझ में आया क्या इसमें आया? ग्लूकोज का स्ट्रक्चर नहीं है जी ये साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो ये वन पोजीशन था, ये कौन सा पोजीशन था? टू। ये था थ्री, ये था फोर, ये था फाइव और ये था सिक्स। अब ये है आपका ग्लूकोज, ठीक है। अब ये जो ओएच है ना, अभी किधर है? राइट हैंड साइड है। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड होता है, इधर हो जाए, हाँ, तो क्या कहलाएगा? गैलेक्टोज। क्या कहलाएगा? गैलेक्टोज, गैलेक्टोज, गैलेक्टोज। क्या कहलाएगा? गैलेक्टोज। क्या कहलाएगा? देख रहे हो, वो ये चीज इधर हो गया तो गैलेक्टोज हो गया, इधर हो गया तो ग्लूकोज हो गया, बस इतना सा डिफरेंस है, ठीक है। तो जो आपका लैक्टोज होता है डाइसैकेराइड्स, उसके मोनोसैकेराइड्स कौन कौन से होते हैं? ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन अभी नहीं दिखे तो इसको मिला।
जो गैलेक्टोज का ये गैलेक्टोज का जो यूनिट होता है जब ये कंबाइन करते हैं तो गैलेक्टोज का C1 होता है और इसका C4 ठीक है। गैलेक्टोज का C1 कार्बन और इसका कार्बन से कार्बन चौथा कार्बन ठीक है। ये दोनों का क्या होता है कंबाइन करते हैं क्या बनता है चले चले। अब पढ़ेंगे हम लोग क्या हम अब पढ़ेंगे पॉलीसेकेराइड्स के बारे में ठीक है। किसके बारे में पॉलीसेकेराइड्स के बारे में। तो पॉलीसेकेराइड्स कौन से कार्बोहाइड्रेट होते हैं पॉलीसेकेराइड्स कौन से कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनका दूसरा नाम है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। क्या नाम है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। जो देखो जो पॉलीसेकेराइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनका हाइड्रोलिसिस करने पे लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड्स मिलते हैं। क्या मिलता है यार